नमस्कार, आप देख रहे हैं अनमोल टेलर। मैं हूं रमेश बाबू। आज मैं आपको लहरिया और जाली बनाने का तरीका बताऊंगा, जो आसान तरीके से बताऊंगा। तो कैसे बनती है वो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है फ्रेंड, और आपको मैं टिप बाय टिप समझाऊंगा। तो अपने ये लिखवाने वाली है हमारी, तो ये वीडियो में आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले बकरम ले लेते हैं, जो हम पांचे में लगाते हैं। डेढ़ इंच का पीस लिया हुआ है। इसमें से हम दो भाग में बांट लेंगे, दो हिस्से कर लेंगे बीच में से इस तरीके से। तो ये डेढ़ इंच का, ये भी पौने इंच का हो गई एक पट्टी। तो इसको हम छांट गए और इसको छांट के हम चार पट्टियां बना लेंगे फ्रेंड। और अभी हम इसको जैसे हम पट्टी लगाते पांचे की, उसी हिसाब से लगाएंगे। लेकिन नीचे से हमारे को कपड़े का मार्जिन छोड़ना है, तकरीबन 1.25 इंच का छोड़ना है नीचे मार्जिन, जो हम फोल्ड करेंगे तो हमारी शलवार का जो है वो छोटी या बड़ी नहीं होगी, वो खतरा भी नहीं रहेगा। तो हम इसी तरह लगा लेंगे इसको। तो हम इसको जब फोल्ड करेंगे तो आसानी से फोल्ड भी हो जाएगा, और शलवार की जो लेंथ है वो भी बड़ी नहीं होगी। तो हम फ्रेंड इसको अभी से ऐसे मोड़ लेते हैं, ताकि हमारे को ये जब इसका निशान बन जाएगा तो हमारा अंदाज़ा रहेगा कि कहाँ पे सिलाई लगानी है। तो इसको मोड़ लेना चाहिए इस तरीके से, और ऊपर से भी फोल्ड कर लेना चाहिए। तरीके से बिल्कुल सही तरीका है। फ्रेंड अभी इसको भी हम नीचे वाले को भी इसी तरह मोड़ लेंगे, इसी तरह जैसे ये मोड़ा है। तो हम अभी कपड़े की पट्टियां उठा लेते हैं इस साइज की, इसी कपड़े की हो, जिसका जैसा आपका सूट है वही कपड़ा होना चाहिए फ्रेंड। तो हम इसको 3 सूत्र का मार्जिन छोड़ते हुए, 3 सूत्र का मार्जिन छोड़ते हुए हम इसको चूज कर लेंगे इस तरीके से। 3 सूत्र का मार्जिन छोड़ते हुए इसको हम फोल्ड करेंगे, वो आपको हम तरीका बताते हैं अभी इस तरीके से। फ्रेंड अभी इसको ऐसे करके हम काट लेंगे तो हमारा मार्जिन पूरा आ जाएगा। ये देख आपने चेक कर लेना फ्रेंड, एक साइड पे हमने 3 सूत्र का छोड़ा हुआ है, एक साइड पे हमने उसका मार्जिन छोड़ा हुआ है जो हम फोल्ड करेंगे, वो ज़्यादा छोड़ा हुआ है कपड़ा। तो ये तरीका आप चेक कर लें फ्रेंड। यहाँ से भी हम मोड़ लेंगे, क्योंकि हमारा जो अंदाज़ा है सिलाई लगाने का वो जमा रहेगा। तो इस तरीके से पट्टी को हम मोड़ लेते हैं, यहाँ से भी फोल्ड कर लेते हैं। थोड़ा आधे सूत्र का जो है वो कम मार्जिन रखना होता है यहाँ से। तो इस तरीके से मोड़ लेंगे फिर। ये मोड़ लेंगे हम, और फ्रेंड अभी हम गत्ता काट लेते हैं। गत्ता ये जो आम सूट आते हैं कढ़ाई वाले, उसमें से जो गत्ते निकलते हैं, तो वो गत्ता जो है वो हमारे को लगाने में इजी रहता है और निकालने में भी इजी रहता है ये गत्ता। तो कुछ दोस्त जो एक बार भी अप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो एक बार से ये गत्ता सही रहता है, वो आपको हम वीडियो में दिखाएंगे अभी आगे जाके। आसानी से लग जाता है, और इसका जो
इसकी जो मोटाई है चौड़ाई वो इसकी तकरीबन 170 के होगी, तो हमारे को 170 का ही चाहिए। वो ये आसानी से बन जाता है और सीधा बन जाता है, टाइम भी कम लगता है। और हमारा मकसद होता है फ्रेंड कि आपके पास आसान आसान वीडियो पहुँचाएँ। तो फ्रेंड ये मैं ऊपर से डबल धागा मिडल में से लगाऊंगा सुई में से, तो वो मैं ब्लैक इस्तेमाल कर रहा हूँ वाइट सूट में। तो ये मैं दोनों धागे ऊपर से लगा लेता हूँ। एक मैंने खिड़की में बाबिन में भरा हुआ है, एक इसकी नलकी में लगा हुआ है, तो दोनों में एक साथ चलाऊँगा फ्रेंड कुछ इस तरीके से। फ्रेंड इसको सीधा रखना है, शलवार को अभी चेक कर लें, सीधा मैंने रखा हुआ है। और ये गत्ता मैंने काटा हुआ है जो स्ट्रेट काटा हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट ही काटना। जब भी आपका अंदाज़ा होगा तो इसको आप मार्क करके स्ट्रेट काट लिया करें। अभी मैं इसके ऊपर ये नीचे वाली पट्टी रखने वाला हूँ, जो नीचे से मैंने 370 का मार्जिन छोड़ा हुआ था वो साइड रख रहा हूँ फ्रेंड। तो आप ये तरीका चेक कर लें कि बुकरम पे सिलाई नहीं चलानी है, बिल्कुल बुकरम के बराबर चलानी है नीचे से और ऊपर से। ये आपका अंदाज़ा होना चाहिए, अंदाजे के बगैर आप नहीं कर सकते फ्रेंड। तो फ्रेंड एक दो जब आप बनाओगे तो ये आपको आसान लगने लग जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। आप बोलोगे ये तो बिल्कुल ही आसान है। फ्रेंड इस तरीके से आपको चेक करते जाना है, नीचे वाले बकरम को जो लगा हुआ हमने वो भी चेक करना है, और वहाँ पे सिलाई आपने अप्लाई करनी है कि उसके बकरम के ऊपर भी नहीं आए और नीचे भी नहीं जाए, ज़्यादा दूर भी नहीं जाए उससे। तो आपने ये चेक करके आराम से मशीन चलानी है, तकड़ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, और ये काम अच्छा हो जाता है फ्रेंड, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगने वाला इसमें। फ्रेंड ये हमारी सिलाई लग चुकी है, तो हम इसको अभी इस तरीके से आस्ता आस्ता इसको मोड़ेंगे तो ये मुड़ जाएगा। ये गत्ता इतना हार्ड नहीं होता है, आसानी से निकल जाता है फ्रेंड। तो आपको हम निकाल के चेक करवाते हैं अभी क्या रिजल्ट आया है हमारा, वो चेक कर लें। और फ्रेंड इसको हम ये आराम से निकल जाएगा, और आप इस पर प्रेस अप्लाई कर लें तो अच्छा रहेगा। प्रेस अप्लाई करोगे तो सफाई आ जाएगी, उसके बाद आप सिलाइयाँ लगा लें तो आपका लुक अच्छा आ जाएगा। तो प्रेस अप्लाई करने के बाद आपने यहाँ पे खींच के सिलाइयाँ लगानी है। तो फ्रेंड यहाँ पे चार जगह पे सिलाई लगने वाली है, तो आपने सिंगल में भी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें बराबर की सिलाई चलाओगे, बराबर की चार जगह पे बराबर की सिलाई चलाओगे तो आपकी लुक की अच्छी आ जाएगी। बराबर की सिलाई चलाने से अच्छी लुक आ जाती है। और इस पर मैं लहरिया भी बनाने वाला हूँ फ्रेंड, तो आगे आपको चेक करवाते हैं। तो आपने ये बराबर की सिलाइयाँ ऊपर नीचे लगा लेनी है, मजबूती भी आ जाएगी और आपकी लुक भी अच्छी आ जाएगी। तो इस तरीके से लगा लिया करें फ्रेंड। फ्रेंड ये हमारा कुछ ये रिजल्ट आ गया सामने, और अभी हम इस पर लेयरिया बनाएंगे, वो भी आपको चेक करवाते हैं। आसान तरीका है बिल्कुल। तो फ्रेंड मैं दो दो सिलाई से अप्लाई कर रहा हूँ, इसका लुक अच्छा चलने वाला है, क्योंकि इतने मैंने थोड़ा और भी लुक देना है लहरिया का, तो वो भी आप चेक कर लें। इस तरीके से आप लहरिया बना सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दरमियाना बना रहा हूँ, अपने हिसाब से बना रहा हूँ। इस तरीके से मैं इस पर लुक देने वाला हूँ फ्रेंड, तो इसकी लुक अच्छी बन जाएगी। ऊपर से मैं ब्लैक धागा मैंने लगाया हुआ ऊपर से, और नीचे से इसी सूट का जो धागा होता है वाइट, वो मैंने लगाया हुआ है, वो मैंने
तीन हिस्सों में बांटा हुआ, तीन भाग में, तो तीन भाग में दागे बांट के लगाए हुए हैं, ज़्यादा मोटा नहीं किया हुआ फ्रेंड। तो इस तरीके से लगा लेते हैं और आपको लुक चेक करवाते हैं अभी कैसे लुक आ रही है हमारी, चेक कर लो फ्रेंड। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, इसके साथ इजाज़त देना।